सो फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑन फास्ट ट्रैक जॉब यूट्यूब चैनल आज हम देखेंगे एफ एस एस सी आई हेतु तो, महत्वपूर्ण कंप्यूटर के कुछ प्रश्न और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और पसंद आया तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग एरर्स आर डिस्प्लेड फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के लिए एरर के बाद कौन सा डिस्प्ले होता है इंस्ट्रक्शन तो पहला है ऑप्शन के अंदर असेंबलर या कंपाइलर या डी है इंटरप्रेटर या आपके पास है ऑप्शन सी या डी बोथ दोनों भी तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इंटरप्रेटर प्रत्येक एरर के बाद डिस्प्ले होने वाला एक इंस्ट्रक्शन है जो कि डिस्प्ले पर दिखाई पड़ता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट है वॉट डज डॉट्स पर इंच डी पी आई मेजर सो फ्रेंड्स आपको डीपीआई का फुल फॉर्म भी यहाँ पर पता चल गया ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम के अंदर भी इसी तरीके से डीपीआई का फुल फॉर्म यहाँ पर दे दिया जाए ऐसा भी हो सकता है कि डीपीआई का फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाए तो आपको इसे भी ध्यान में रखना है तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन डी क्या मेजर करता है नंबर ऑफ़ बिट्स मेजर करता है या डेंसिटी ऑफ द पिक्सल ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन डिस्प्ले करता है या फिर मेजर करता है द डेंसिटी ऑफ बिट्स ऑन अ डिस्क या फिर ऑप्शन डी है डेंसिटी ऑफ ग्राफिक्स फाइल्स स्टोर्ड ऑन अ हार्ड डिस्क इसे मेजर करता है तो आपने गैस कर लिया होगा तो आप आंसर देखते हैं तो इसका आंसर है बी ये मेजर करता है पिक्सल के प्रिंटर की जो इमेज होती है तो उसके पिक्सल को ये मेजर करता है तो डी क्या मेजर करता है रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर और इमेज सेटर एंड पीपीआई पिक्सल पर इंच जो होता है तो उसे मेजर करने के लिए डीपीआई का प्रयोग किया जाता है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मैन मैन का फुल फॉर्म क्या है पूछ रहा है तो आपके पास ऑप्शन है मेन एरिया नेटवर्क मीटर एरिया नेटवर्क ऑप्शन सी है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क या ऑप्शन डी है मैनेज एरिया नेटवर्क तो आप गैस कर लीजिए इसे और गैस कर लिए होंगे तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है तो इसका आंसर है आंसर सी मैन मेट्रोपोलि पोलिटियन एरिया नेटवर्क इज अ लार्जर नेटवर्क दैट यूजुअली कवर्स सर्टेन एरिया विलेज और सेवरल बिल्डिंग तो ये मैन जो होता है तो ये इतना बड़ा नेटवर्क होता है कि ये एक विलेज को तक कवर कर लेता है या फिर अगर बात की जाए कोई बड़ी बिल्डिंग की तो ये उसे भी कवर कर लेता है तो इसी को आप ध्यान में रखिएगा ये फुल फॉर्म भी बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ नॉट आ नेटवर्क प्रोटोकॉल इसमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए एस ऑप्शन बी एफ ऑप्शन सी एस या ऑप्शन डी एस अगर फ्रेंड्स आपको इसके फुल फॉर्म भी अगर पता हो तो आप इजीली इसे गैस कर सकते हैं क्या हो सकता है तो एच टी टी पी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और एच टी एम एल होता है जो ऑप्शन डी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज अब यहाँ पे प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया है और डी जो है वो तो मार्कअप लैंग्वेज है इस वजह से आपका ऑप्शन डी हो जाता है क्योंकि डी एक प्रोटोकॉल नहीं बल्कि एक लैंग्वेज होती है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट है वॉट इज़ द एक्सेस टाइम एक्सेस टाइम किसे हम कहते हैं ऑप्शन ए है इट इज़ द टाइम टेकन बाय द मेमोरी टू स्टोर और रिट्राइव अ पीस ऑफ डेटा इट इज़ द नंबर मार्क्ड ऑन ऑल मेमोरी चिप्स या ऑप्शन सी है इट इज़ द मेमोरी क्लॉक या ऑप्शन डी है इट इज़ द ट्रांजेक्शन पीरियड बिटवीन सी पी यू एंड द मेमोरी तो आप गैस कर लीजिए और देखते हैं हम इसका उत्तर क्या है आंसर क्या है इसका तो आंसर है ए ए होता है अर्थात इट इज़ द टाइम टेकन बाई द मेमोरी टू इस्टोर और रिट्राइव अ पीस ऑफ डेटा किसी भी डेटा को इस्टोर करने का समय और रिट्राइव अर्थात उसे दोबारा लेने का जो है समय होता है वो उसे कहते हैं एक्सेस टाइम तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट है द डेटा आर मोडिफाइड टू स्पेसिफिक कोड एंड प्रोटेक्टेड इन देंडर साइड वाइल ट्रांसफरिंग जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो कौन सा डेटा ऐसा होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है और सेंड किए हुए डेटा को किसी भी डेटा को हम एक यूज़र से दूसरे यूज़र के मध्य जब हम सेंड करते हैं तो सेंडिंग के दौरान अर्थात पहुंचने के दौरान ट्रांसफरमेशन के दौरान उसे प्रोटेक्ट करने का काम जो करता है या फिर हम उसे कहते हैं कोई एक स्पेशल की भी हो सकती है वॉट इज़ द प्रोसेस यूज इन रिसीवर साइड टू रिट्राइव द ओरिजिनल डेटा तो उसे ओरिजिनल डेटा को रिट्राइव करना यानी दोबारा उसे हासिल करना क्योंकि वो एक कोड बनकर जाता है तो उस प्रोसेसर उस प्रोसेस या औरिजिनल में परिवर्तन होने के समय को हम क्या कहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है डी कोडिंग इनकोडिंग इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन फ्रेंड्स अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और आप करंट अफेयर्स पे आपकी अच्छी पकड़ है तो आप इसे बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते है इस क्वेश्चन को बिकॉज बहुत ही ज़्यादा बार ये मुद्दा चर्चा में रह चुका है 2020 अर्थात 2021 में भी तो चलिए देखते हैं इसका आंसर है डी इसे हम कहते हैं डिक्रिप्शन जब सेंडर किसी चीज़ को भेजता है तो इंक्रिप्ट हो जाता है और फिर ट्रांसफ़र होता है और जब रिसीवर के पास वो जाता है तो वहाँ पे उसका डिक्रिप्शन होता है यहाँ इंक्रिप्शन होगा सेंडर के पास से और रिसीवर के पास उसका डिक्रिप्शन हो जाएगा तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ में होने वाला और जनरल लाइफ में प्रयोग होने वाला है और एफ हमेशा उसी पर फोकस करता है जो जनरल लाइफ में प्रयोग होता है चाहे फिर वो कंप्यूटर हो चाहे वो इंटरनेशनल रिलेटेड डेटा हो तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रेसन वाट इज़ द टर्म यूज़ टू डिनोट द रिपीटेशन ऑफ डेटा इन डी बी एम एस डी बी एम एस के अंदर डेटा के रिपीटेशन के लिए कौन सा टर्म या वर्ड का हम प्रयोग करते हैं तो ऑप्शन है रिपीटिंग रिस्ट्रिक्ट रीअपियर या ऑप्शन डी हो जाता है री डोंट सी तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है तो आंसर है डी यानी कि रिडर्न सी जो होता है तो उसे हम डी बी एम एस के अंदर प्रयोग करते हैं तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न डैश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क टिपिकल नेटवर्क के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल और महत्वपूर्ण कंप्यूटर कौन सा है कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है तो आपके पास ऑप्शन है नेटवर्क क्लाइंट ऑप्शन बी डेस्कटॉप ऑप्शन सी नेटवर्क स्टेशन ऑप्शन डी हो जाता है नेटवर्क सर्वर इनमें से कौन सा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसका आंसर देखते हैं तो आंसर है डी नेटवर्क सर्वर जो होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ईजी भी क्वेश्चन रखे हैं मॉडरेट भी रखे हैं और हार्ड यानी टफ़ क्वेश्चन भी रखे हैं ताकि आप अपने आप को जांच सकें जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो आप आंसर का पढ़ने का वेट कर सकते हैं और इसी के साथ वीडियो को रोक कर पाउज करके उसका आंसर जरूर अपनी कॉपी में या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इससे आप ख़ुद को भी जान पाएंगे और आप अपना दर्जा सेट कर पाएंगे कि आप कौन से लेवल पर है इस समय क्योंकि एग्जाम अभी दूर नहीं है बहुत ही ज़्यादा करीब है लगभग एक मंथ के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम होना तय है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न तो नेक्स्ट प्रश्न है द आर्टिफिशियल सेटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड प्रोवाइड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अर्थ इज़ बेसिकली कॉल्ड यानी कौन सा वो आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम सेटेलाइट है जो ये अर्थ के अराउंड में घूमता है और ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन को तो कौन सा हो जाता है तो पहला हो जाता है हमारे पास ऑप्शन जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट जियो स्टेशनरी सेटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तो ये आपके पास चार ऑप्शन है माना ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है लेकिन आपको इसका आंसर पता होना चाहिए तो चलिए देखते हैं इसका आंसर बी है इसका आंसर है बी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न वॉट इज द नेम ऑफ द पोर्टल इन कंप्यूटर विच अलाउ एडिशनल डिवाइसेज टू कनेक्ट एडिशनल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए जो पोर्टल होता है कंप्यूटर के अंदर उसका क्या नाम है क्या हम उसे प्राइमरी कहते हैं क्या हम उसे सेकेंडरी कहते हैं क्या हम उसे ऑप्शनल कहते हैं या पेरीफेरल कहते हैं हम उसे तो इसका आंसर है अब एक्सटर्नल है बाहर से है तो उसे हम नॉर्मल सी बातें सी ही कहेंगे पेरीफेरल पेरीफेरल वो पोर्ट होता है वो पोर्ट होता है या वो पोर्टल होता है जिसके द्वारा जिसके अंदर हम कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल डिवाइस अब एक्सटर्नल डिवाइस जैसे माउस माउस के क्यों भी हमें एक्सटर्नल डिवाइस है कीबोर्ड है तो ये सारे के सारे पैरी द्वारा ही कंप्यूटर के अंदर कनेक्टेड होते हैं तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है वॉट इज़ द शॉर्टकट की टू क्लोज करंटली ओपन डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड आपके सिलेबस में अगर आपने देखे होंगे तो एम एस वर्ड एक्सल पावर पॉइंट को हाईलाइट करके लिखा हुआ है तो इसलिए आपको एम एस वर्ड को तो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है तो इसका आंसर है कंट्रोल डब्ल्यू कंट्रोल डब्ल्यू का प्रयोग करके हम करंटली ओपन जो डॉक्यूमेंट है उसको हम शॉर्टकट की से क्लोज़ कर सकते हैं तो और कंट्रोल बी का प्रयोग होता है बोल्ड करने के लिए तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये मैंने आपको समझा ही दिया तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट इन अ कोडिंग कोडिंग की भाषा में स्टूडियो डॉट एच इज़ यूज एज अ डैश फाइल स्टूडियो डॉट एच का हम प्रयोग किस लिए करते हैं फ्रेंड एच है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एच कहाँ पर है सब रूटीन्स के अंदर नहीं है फूटर के अंदर नहीं है इंक्रीमेंट के अंदर नहीं है परंतु हीडर के अंदर है तो इसका आंसर भी सी ही होगा हीडर के लिए हम स्टूडियो डॉट एच का प्रयोग करते हैं तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट रॉ एक है अनप्रोसेस्ड फैक्ट एक है इंक्लूडिंग टेक्स्ट है नंबर है इमेजेस है और साउंडस है इन सब को क्या कहते हैं हम एपिलेट्स कहते हैं डेटा कहते हैं मेटावेयर कहते हैं या हम इसे प्रोडक्ट कहते हैं तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी इन सभी को हम क्या कहते हैं ये है डेटा चाहे वो इमेज हो चाहे वो कुछ नंबर हो चाहे वो इमेज हो चाहे वो कुछ नंबर हो चाहे कुछ टेक्स्ट हो या फिर अनप्रोसेस फैक्ट हो जिसके ऊपर अभी प्रोसेस किया नहीं गया केवल इंफॉर्मेशन है तो इन सब को हम क्या कहते हैं इसे हम डेटा कहते हैं फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से कुछ लिए गए हैं और कुछ मैंने मेरी तरफ से ऐड किया हूँ अपने अनुभव और अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है ऑल ऑफ दी आर ट्रू ऑफ सेफ मोड एक्सेप्ट सेफ मोड को लेके सारे ही ट्रू है इनमें से केवल एक को छोड़ के एक एक्सेप्ट कर दिए तो बाकी सारे के सारे ट्रू है किस संदर्भ में किसके रिगार्डिंग तो ये सेफ़ मोड के रिगार्डिंग है तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए है सेफ मोड इज़ अ स्पेशल डायग्नोस्टिक मोड सेफ मोड एक स्पेशल डायग्नोस्टिक मोड होता है या सेफ मोड लोड्स ऑल नॉन एसेंशियल आइकम्स या फिर सी है सेफ़ मोड अलाउज यूजर टू ट्रबल शूट एरर्स या डी है सेफ मोड्स लोड्स ओनली द मोस्ट एसेंशियल डिवाइसेस तो चलिए देखते हैं इसका आंसर इसका आंसर है आंसर बी सेफ मोड लोड्स ऑल नॉन एसेंशियल आइकन सिर्फ इसको अगर छोड़ दिया तो सेफ मोड बाकी सारे के सारे कार्य करता है कौन कौन से कार्य करता है सेफ मोड सेफ मोड स्पेशल डायग्नोस्टिक मोड भी है उसका भी कार्य करता है ये यूज़र को ट्रबल शूट के लिए ट्रबल शूटिंग कोई प्रॉब्लम आने के ऊपर जब हम प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कार्य करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं ट्रबल शूटिंग कहते हैं और तीसरा है सेफ मोड लोड्स ओनली मोस्ट एसेंशियल डिवाइस तो मोस्ट एसेंशियल डिवाइस को ही लोड करता है तो ये सारे के सारे आ, काम हो जाएंगे हमारे इसके अंदर चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न सो so फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है चेंजिंग द अपियरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जब हम अपीरियंस को चेंज कर देते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एम एस ऑफिस से रिलेटेड है तो उसे हम क्या कहते हैं क्या हम उसे प्रूफिंग कहते हैं क्या हम उसे एडिटिंग कहते हैं क्या हम उसे करेक्शन कहते हैं या करेक्टिंग कहते हैं या हम उसे फॉर्मेटिंग कहते हैं तो हम उसे फॉर्मेटिंग अर्थात ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सही आंसर है ऑप्शन सी हम उसे फॉर्मेटिंग कहते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स स्पेलिंग और ग्रामर एरर्स को डिटेक्ट किया जाता है किसके द्वारा एफ़ सेवन के द्वारा या अल्ट प्लस एफ़ सेवन के द्वारा या कंट्रोल प्लस एफ सेवन के द्वारा या प्रेस शिफ्ट प्लस एफ़ सेवन के द्वारा तो आप इसे गैस कर लिए होंगे तो चलते देखते हैं आंसर तो इसका आंसर है डी केवल F7 केवल F7 अगर हम दबा देते हैं तो हम इसके अंदर क्या करते हैं स्पेलिंग एरर को चेक भी कर लेते हैं और उसे करेक्ट भी कर देते हैं F7 जो फंक्शन की भी कहलाती है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नेसेसरी टू ट्रैक कम्प्यूटर वाइल कनेक्टिंग टू इंटरनेट जब हम कंप्यूटर को इंटरनेट द्वारा कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो क्या ज़रूरी है एसेंशियल है नेसेसरी है फॉलोइंग में से कनेक्ट करना तो देखते हैं हम क्या है सिस्टम नंबर का होना ज़रूरी है मेमोरी का होना ज़रूरी है आईपी एड्रेस का होना या वीपी पी एड्रेस का होना ज़रूरी है तो इसका आंसर है सी आई एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल का होना ज़रूरी है इसके अंदर इंटरनेट प्रोटोकॉल आपको पता ही होगा आईपी एड्रेस चौदह नंबर का ये अंक होता है और ये फ्रेंड्स ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्प्लेक्स तो सिम्प्लेक्स के इसमें से कौन सा उदाहरण नहीं है यानी कि तीन तो सिम्प्लेक्स के उदाहरण हैं परंतु एक नहीं है तो ऑप्शन तो है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग स्पीकर वॉकी टॉकी तो सिंप्लेक्स और ड्यूप्लेक्स में एक अंतर होता है सबसे पहले तो हम इसे हम समझ लेते हैं एक होता है सिंप्लेक्स एक होता है ड्यूप्लेक्स एक होता है हाफ ड्यूप्लेक्स हाफ ड्यूप्लेक्स होता है सिंप्लेक्स जिसमें केवल एक ही तरफ से सिग्नल आता है या अर्थात एक ही तरफ से हम डेटा अब डेटा साउंड कि उस फॉर्म में हो सकता है या फिर वो इमेज के फॉर्म में हो सकता है किसी भी फॉर्म में हो सकता है परंतु केवल एक ही तरफ से आता है दूसरी तरफ से नहीं जा सकता है ड्यूप्लेक्स के अंदर दोनों तरफ से आ सकता है लेकिन एक ही समय में साइमल हम दोनों तरफ से नहीं भेज सकते जिस तरीके से हम फ़ोन पे साइमल भेज सकते हैं एक उधर से बोल रहा है एक इधर सामने से बोल रहा है तो हम इसे के अंदर कर सकते हैं मोबाइल के अंदर लेकिन इसके अंदर एक एक तरफ से ही बोल सकते हैं तो उसे हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स पहले एक बोल देंगे फिर दूसरा जैसा वॉकी टॉकी के अंदर होता है तो स्पीकर है स्पीकर में एक तरफ से साउंड आता है परंतु हम दूसरी तरफ से स्पीकर के अंदर बोल नहीं सकते क्योंकि बोलने वाली चीज़ को तो हम माइक कहते हैं रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में भी हम आ, हमारे तरफ से रेडियो के अंदर बोल नहीं सकते और ना ही टेलीविजन में इन सभी से एक ही तरफ से सिग्नल आता है दूसरी तरफ से सिग्नल नहीं जाता परंतु वॉकी टॉकी ये दोनों तरीके से प्रयोग किया जाने वाला तो इसका आंसर हो जाएगा डी तो देखते हैं आप समझ चुके होंगे तो आंसर है डी अब मैंने आपको इस सब का एक्सप्लेनेशन बता ही चुका हूँ चलिए देखते हैं नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल इमल्स टू बिट स्ट्रीम्स इलेक्ट्रिकल जो इमल्स है तो उसे बिट स्ट्रीम में कौन सा कौन सी लेयर कन्वर्ट करती है परिवर्तन कर देती है तो आपके पास ऑप्शन है प्रेजेंटेशन फिज़िकल डेटा लिंक या नेटवर्क इनमें से कौन सा है तो आप देख सकते हैं इसका आंसर इसका आंसर है बी फिजिकल जो होता है तो उसके द्वारा ये काम किया जाता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न ये है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर दैट ईच ऑफ द फोर पार्ट्स ऑफ एन आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर होते हैं उसके पार्ट्स के अंदर मैं आपको आईपी एड्रेस का बता ही चुका हूँ आई एड्रेस के अंदर टोटल चौदह डिजिट होते हैं लेकिन चौदह डिजिट जो होते हैं ये इस तरीके से डॉट डॉट के द्वारा कन्वर्ट कनेक्टेड होते हैं यहाँ पर तीन डिजिट होते हैं यहाँ पर तीन डिजिट होते हैं यहाँ, यहाँ पर चार होते हैं फिर उसके बाद में तीन होते हैं फिर चार इस तरीके से होता है तो मैक्सिमम कितना होता है आपके पास ऑप्शन है तीन सौ पैंतालीस दो सौ पचपन एक सौ सतानवे और तीन सौ एक फ्रेंड्स ये इस बार के सी एच एस एल एग्ज़ाम के अंदर था और जो एग्ज़ाम को सी एच एस एल वाले कंडक्ट कराते हैं वही लोग हैं वो एफ एस सी सी आई के लिए भी पेपर कंडक्ट कराते हैं अब आप देख ही चुके हैं आप अगर गए होंगे तो आई ओ एन डिजिटल के अंदर एग्ज़ाम होता है और आई ओ एन डिजिटल वालों के हमेशा कंप्यूटर हो और उसी के साथ साथ रीजनिंग इनके क्वेश्चन सेम ही होते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम हो चाहे फिर वो रेलवे हो या एसएससी हो या फिर इसी के साथ साथ आरबीआई हो या एफ हो तो आपको उसके भी क्वेश्चन पढ़ने चाहिए तो इसका आंसर है तीन दो सौ पचपन दो सौ पचपन एक मैक्सिमम नंबर होता है किसके अंदर आईपी एड्रेस के अंदर उससे ज़्यादा का नंबर नहीं रखते हैं वो तो ये आंसर बी हो गया दो सौ पचपन ये इस प्रकार होता है मैं आपको बता चुका हूँ ईच नंबर इस प्रकार से होता है और ये जो होता है ये आठ बिट का होता है उससे ज़्यादा नहीं होता है और बिट का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप पढ़ते होंगे तो चलिए देखते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज़ यूज टू सेव इमेज इन अ इन द कंप्यूटर कंप्यूटर में कोई इमेज को अगर सेव करना है तो हम कौन से एक्सटेंशन का प्रयोग करते हैं एक्सटेंशन जो हम डॉट के बाद लगाते हैं पी के अंदर हम इस तरीके से लगा देते हैं पी फाइल के अंदर जिसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आपको ये सब भी ध्यान में रखना चाहिए तो इस तरह से इमेज के लिए क्या होता है डॉट सी होता है या डॉट एक्स होता है या डॉट वी होता है या डॉट जे होता है आपको बताने इसमें से क्या होता है तो आपका आंसर है इसके अंदर डी जे इसका आ, एक्सटेंशन होता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न मशीन लैंग्वेज समटाइम्स ऑल्सो रेफर्ड एज मशीन लैंग्वेज को कुछ समय या कभी कभार इस नाम से भी जानते हैं अब वो नाम क्या है आपको बताना है बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं मिडल लेवल लैंग्वेज कहते हैं या लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं इनमें से क्या कहा जाता है मशी मशीनी लैंग्वेज को कभी कभार तो आपके पास इसके अंदर ऑप्शन में आप गैस कर चुके होंगे तो इसके बाद आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हम इसे क्या कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज के नाम से भी हम इसे कभी कभार बोलते हैं यानी कि इसका एक निक भी आप कह सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज मशीन के अंदर ही बाइनरी का प्रयोग किया जाता है और बाइनरी लैंग्वेज आप जानते ही होंगे जो केवल जीरो और वन से मिलकर बनती है जीरो 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 वन या वन 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 जीरो इस तरीके से प्रयोग होता है तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है विच इज़ एन अनदर नेम फॉर फंक्शनल लैंग्वेज इससे पहले हम मशीन लैंग्वेज का देख चुके लेकिन इस बारे फंक्शनल लैंग्वेज यानी कि कार्य भाषा जो होती है तो उसका दूसरा नाम क्या है क्या उसे हम मशीन कहते हैं या एप्लीकेशन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं तो चलिए इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर है आंसर बी अर्थात एप्लीकेशन लैंग्वेज के नाम से भी हम इसे बोलते हैं तो ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन है इसके अंदर डैश ट्रांसलेट्स द सीमेंटिक इंस्ट्रक्शंस डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर्स इनटू द मशीन लैंग्वेज क्या ऐसा है जो कि ट्रांसलेट करता है सीमेंटिक इंस्ट्रक्शन को जो कि प्रोग्रामर्स द्वारा मशीन के अंदर लैंग मशीनी लैंग्वेज के अंदर बनाई जाती है तो क्या हम उसे असेंबलर कहते हैं क्या हम इधर इंटरप्रेटर कहते हैं लोडर कहते हैं या कंपाइलर कहते हैं तो चलिए इसका आंसर देखते हैं इसका आंसर है ए हम उसे क्या कहते हैं असेंबलर कहते हैं आज का ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन है क्रोम इज अ डैश सॉफ्टवेयर क्या वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है क्या वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है या वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है आप इसका आंसर गैस कर सकते हैं और इसका आंसर है वो हो जाएगा हम उसे ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं तो इसे हम एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं और क्रोम एक इसके अलावा क्या है तो हम क्रोम को ब्राउज़र भी कहते हैं तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट है एस आर एम रिटेन्स डेटा एज लॉन्ग एज पावर इज़ प्रोवाइडेड टू द मेमोरी चिप एंड नीड नॉट बी रिफ्रेश्ड पेरीडेडकली वॉट डज एस रिप्रेजेंट तो इसके अंदर एस क्या रिप्रेजेंट करता है आपको ये बताना है तो इसके अंदर एस एस रैम है तो एस और ये इस तरह इस प्रकार है रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस का इसके अंदर से क्या होता है क्या वो स्टेगनेट कहलाता है या वो स्टोरेज कहलाता है क्या वो सिंपल के वास्ते यूज़ होता है या फिर वो स्टैटिक के लिए एस का प्रयोग होता है तो इसका आंसर है आंसर डी ऑप्शन डी हो जाएंगे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वो मेमोरी होती है जो तब तक ही प्रयोग में आती है तब तक ही काम करती है जब तक कि आपकी मशीन में अर्थात आपके कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर बिजली हो इलेक्ट्रिसिटी जब तक हो ये तब तक ही काम करती है और इलेक्ट्रिसिटी अर्थात बंद करने पर इसके अंदर का सारा डेटा ओमिट हो जाता है मिट जाता है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है द कम्प्यूटर्स कैपेबिलिटी ऑफ डिस्टिंगविज स्पोकन वर्ड्स इज़ कॉल्ड कंप्यूटर की वो क्षमता जो डिस्टिंगविच करती है फ़र्क करती है स्पोकन वर्ड के अंदर तो इसे हम वॉइस एनालिसिस कहते हैं या स्पीच कहते हैं या स्पीक स्पीच इंटरप्रिटेशन कहते हैं या वॉइस रिकॉग्निशन कहते हैं तो कई सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर इसका आंसर हो जाएगा डी स्पीच रिकॉग्निशन कहते हैं हम उसे जो कंप्यूटर की कैपेबिलिटी है डिस्टिंग्विश करना स्पोकन वर्ड्स को और इसे हम वॉइस रिकॉग्निशन कहते हैं फ्रेंड्स महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी एम के अंदर इस साल आया था तो चलिए देखते हैं वाइल्ड वर्किंग इन मेल वी मे केम अंडर द बी सी सी वॉट डज बी रिप्रजेंट फ्रेंड्स आप जानते ही होंगे अगर आपने एफ एस सी सी आई का सिलेबस देख रखा है तो उसके अंदर आपको इसके अंदर ई मेल एक अलग से हेड बना कर दिया गया अर्थात ई मेल का एक अलग से ही सेगमेंट दिया हुआ है जो हमको कवर करना है तो ऑप्शन ए हो जाता है ब्लिक या ऑप्शन बी हो जाता है ब्लैक ऑप्शन सी हो जाता है ब्लाइंड या हो जाता है डी ब्रॉड इसमें से क्या है बी रिप्रेजेंट करता है बी के अंदर तो चलिए देखते हैं इसका आंसर तो इसका आंसर है सी बी रिप्रेजेंट करता है ब्लाइंड को और इसका फुल फॉर्म हो जाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी ये भी प्रश्न आया हुआ है लेकिन ये एन के अंदर आया था फ्रेंड्स ये जितने भी प्रश्न हैं ये सारे रिपीटेड प्रश्न हैं और मैं आपको बड़े ही लूसेंट पे में इसे समझा रहा हूँ अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करेंगे प्लीज़ और अपने फ्रेंड्स के साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें और अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बताना भी ना भूलें चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिलीटेड मेल्स फ्रॉम द इनबॉक्स कैन बी फाउंड इन ईमेल के अंदर मेल के अंदर अगर कोई मेल डिलीट हो जाता है तो इनबॉक्स में से डिलीट हो जाता है तो उसे हम कहाँ पर पाते हैं क्या वो ट्रैश के अंदर मिलता है क्या वो स्पैम के अंदर मिलता है क्या वो प्रमोशन्स के अंदर मिलता है या ऑल मेल के अंदर मिलता है तो आपका ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन ए वो ट्रैश के अंदर मिलता है ट्रैश जिस तरह डस्टबिन का डस्टबिन बना होता है उसी तरीके से ट्रैश का भी साइन होता है इसी प्रकार होता है क्षमा कीजिएगा थोड़ी ड्राइंग वीक है हमारी तो इस तरीके बॉक्स में ट्रैश का होता है और फ्रेंड्स ये प्रश्न जो है तो ये रिपीटेड प्रश्न है और ये रिपीटेड है एफ के अंदर ही आया था ये प्रश्न वॉट इज़ द कंपोनेंट्स दैट आर यूज इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर किसका प्रयोग किया गया था ट्रांजिशन का पंच कार्ड्स का एल का और या फिर वैक्यूम का तो एल का जो है तो फोर्थ तो जनरेशन में किया गया था तो चलिए देखते इसका ऑप्शन है ट्रांजिशन का सबसे जो सेकेंड लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन है अभी तक कंप्यूटर के फोर्थ जनरेशन कंप्लीट हो चुके हैं और फिफ्थ जनरेशन के ऊपर काम चल रहा है वन टू थ्री फोर कंप्लीट हो चुके हैं और फिफ्थ पे काम चल रहा है फिफ्थ जो है वो ए पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है पहली जो थी वो वैक्यूम के ऊपर थी और दूसरी जो थी वो ट्रांजिशन के ऊपर थी तीसरी जो थी तो ये तीसरी थी एल एस आई और चौथी जो है ये वी एल एस आई के ऊपर डिपेंड है तो फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखने है क्योंकि ईजी बहुत ही ज़्यादा ईजी है अगर आप इसको एक से दो मरतबा देखेंगे या फिर आप अपने अनुसार एक बार देखकर इसे अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं और लिखने के बाद अगर आप अपनी कॉपी से ही रिवीजन करते हैं तो वो आपके मस्तिष्क में बहुत ही जल्दी उतरता है तो आप कॉपी से भी कर सकते हैं या फिर एक से दो बार ये वीडियो को देख लीजिए एक ही वीडियो देखने में, में आपके पचास एम कवर हो रहे हैं और फ्रेंड्स इस बात की गारंटी है कि पचास एम सी में से कम से कम पाँच से दस एम आपके पच्चीस में से पाँच से दस एम ज़रूर आपके क्वेश्चन में आएंगे फिर चाहे वो आगे पीछे क्यों करके क्यों ना हो परंतु ये आएंगे ज़रूर चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है डैश इज एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज डिज़ाइन टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर एक ये जो है निम्नलिखित में से ये निम्नलिखित में से एक ऐसी आर्टिफिशियल लैंग्वेज है जो कि कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शन देती है कंप्यूटर के लिए तो आपके पास ऑप्शन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बी है मशीन लैंग्वेज सी है सॉफ्टवेयर लैंग्वेज या डी है असेंबली लैंग्वेज तो इसका आंसर है ए जिसको हम क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा ही हम इसके अंदर आर्टिफिशियल लैंग्वेज के अंदर अपनी लैंग्वेज को अपनी भाषा को परिवर्तित करके कंप्यूटर को समझाते हैं अब इसके अंदर हम देख लेते हैं तो सी है सी प्लस प्लस हो जाता है और इसके साथ साथ देखें तो बेसिक हो जाता है और अगर हम बच्चों के लिए देखते हैं तो एल्गोल अल, बोल के हो जाता है तो ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं ये सब एग्जाम्पल हैं ये तो कुछ ही एग्जाम्पल है बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेजेस अब बन चुकी हैं तो आपको ये सब बेसिक जो थी वो सबसे पहली लैंग्वेज थी ये भी आपको याद रखना है और एल्गोल जो है वो बच्चों के लिए प्रयुक्त होती है और सी और सी प्लस प्लस जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट लैंग्वेजेस थी तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सपान मॉडर्न यानी कि मैडम मॉडम का जो पूर्व पाती है या फिर संपूर्ण नाम क्या होता है तो मॉडेम ये होता है मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी इसका प्रयोग कब किया जाता है जनरली अगर आप के घर में टेलीफोन होगा तो आप इसे देख सकते हैं कि टेलीफोन के केबल के द्वारा हमारे कंप्यूटर में जो पुराने कंप्यूटर होते थे उसमें केबल के जरिए डेटा दिया जाता था तो इसे हम मॉड्यूलेशन और डी कहते थे तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है, next. Next है व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू जस्टिफाई द पैराग्राफ इससे पहले भी फ्रेंड्स हम शॉर्टकट कर चुके हैं हमने अल्ट समझिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू देखा था और ये किस लिए देखा था आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्योंकि अभी हमने इसी वीडियो में इसे देखे और इसी के साथ साथ मैंने कंट्रोल बी के बारे में बताया था किसके लिए प्रयोग होता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कंट्रोल J जो है इसका यूज़ होता है जस्टिफाई के लिए जस्टिफाई अर्थात जो हम लिखते हैं अब हम हिंदी भाषा या इंग्लिश भाषा को अगर हम लिखते हैं तो वो इस प्रकार इधर साइड से होती है इस प्रकार हम लिखते हैं उसे यहाँ से ये यह हमारी मार्जिन होती है और इधर से हम लिखते हैं अगर हम इसे ये जो आगे पीछे लाइन जो दिख रही है एक ऊपर हो गई आगे तो अगर हमको इसको एक लेवल में अगर हमको इसको इस प्रकार लेकर ले कर आना है तो इसे हम कहते हैं जस्टिफाई अगर हमको वर्ड के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर जस्टिफाई का प्रयोग करना है तो हम कंट्रोल और जे का यूज़ करेंगे तो इस तरीके के हमारा ये जो है ये परिवर्तित हो जाएगा इस तरीके में यानी कि ये एक लाइन में आ जाएगा और एक सभ्य प्रकार से दिखे देखने के लिए आपको मिलेगा तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन वोलाटाइल मेमोरी वॉलेटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है तो कैच प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम तो इसके अंदर से देखना है आपको वॉलेटाइल कौन सी है तो ये होती है बी रोम रीड ओनली मेमोरी इज़ द नॉन वोलाटाइल मेमोरी ये वॉलेटाइल नहीं होती है बाकी सारे वॉलेटाइल होते हैं. वॉलेटाइल जो कि कंप्यूटर के बंद होने के साथ साथ या काम कंप्लीट होने के साथ साथ कंप्यूटर से चले जाते हैं या फिर ऐसी भी मेमोरी होती है जो खुद ब खुद ही कंप्यूटर में से कम हो जाती है चली जाती है तो इस तरीके से हमारे पास नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हो जाती है रोम जिसे हम जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी जिसका काम क्या रहता है सिर्फ रीड करने का रहता है इसके अंदर ये परिवर्तन नहीं कर सकती परिवर्तन करने के लिए हमारे पास रैम है और कैच वो होता है जो इंटरनेट के द्वारा और कोई काम करने के दौरान हमारे कंप्यूटर के अंदर जो छोटी छोटी फाइलें बन जाती है तो उसे हम कैच कहते हैं तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले बोथ क्यूरी एंड आउटपुट दोनों को अगर हमें साथ में दर्शाना है कंप्यूटर के डिस्प्ले के ऊपर तो हम किसका प्रयोग करेंगे ऑप्शन ए है लिस्ट का बी है सेलेक्ट का सी है डिस्क्राइब का या फिर हम आर दबाएंगे। तो आपके पास इसके अंदर ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी इसके अंदर हम आर रिकमेंडेशन जो होता है तो हम इसका यूज़ करने के लिए फ़्रेंड्स यहाँ पर मैंशन करना मैं भूल गया हूँ इसका यूज़ करने के हम विंडोज़ uh, बटन विंडोज़ बटन जो होता है समझ जाइए आप इस प्रकार तो विंडोज़ प्लस आर को हम दबाए अगर कंप्यूटर के मेन स्क्रीन पे आके तो हमारे पास एक रन कमांड खुलता है तो उसी के द्वारा हम क्यूरी और आउटपुट दोनों को देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है ओ एस आई इज़ एन आई एस ओ स्टैंडर्ड फॉर वर्ल्ड वाइड आई एस ओ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है तो ओ एस आई जो है वो आई एस ओ है वर्ल्ड वाइड पे तो कम्युनिकेशन एंड डेफिनेशन नेटवर्किंग फ्रेमवर्क तो ये नेटवर्किंग फ्रेमवर्क का क्या हो जाता है एक माप मापदंड है स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है कौन ओ एस आई तो इसका फुल फॉर्म क्या है इसके अंदर ओ का क्या फुल फॉर्म होता है ऑपरेशन होता है ओपन होता है ऑर्गेनाइजेशन होता है या ऑप्टिकल होता है आपको ये बताना है तो चलिए देखते हैं इसका आंसर इसका आंसर है बी ओ एस आई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनिक्शन तो ओ ये भी फुल फॉर्म आपके लिए महत्वपूर्ण है और आई एस ओ का भी फुल फॉर्म आपके लिए महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि मापदंड तय करती है कौन सी चीज़ का कितना रहेगा और क्या रहेगा तो उसी तरह अगर कंप्यूटर का मापदंड वगैरह को हमें मेजर करना है उसे बताना है तो हम उसमें ओ एस आई अर्थात ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट प्रश्न है एन ऑपरेशन इन विच डेटा इज़ मूव टू अ डिफरेंट लोकेशन इज़ रेफर्ड एज डेटा को जब हम एक लोकेशन से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं ब्लॉक मूव कहते हैं या स्ट्रीट मूव कहते हैं या डिलीट कहते हैं या फिर हम उसे शिफ्ट रिमूव कहते हैं तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका आंसर इसका आंसर है ए उसे हम ब्लॉक मूव कहते हैं जो हम शॉर्टकट की इसके लिए हो जाती है हमारे पास कंट्रोल प्लस एक्स यहाँ से हमने मूव कर दिया और पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग करते हैं तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ लैंग्वेजेस तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है इनमें से कौन सा है क्या वो पाइथन है क्या वो सी प्लस प्लस है क्या वो जावा है या पासकल है तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी होती है सी प्लस प्लस एल्गोल सी बेसिक तो इसी के साथ साथ पाइथन भी है C प्लस भी है जावा भी लेकिन पास्कल पास्कल की अगर बात की जाए तो ये एक इकाई होती है एक यूनिट होता है तो पास्कल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम नहीं है ऑप्शन डी इसका सही है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट दिस इज़ अ स्टैंडर्ड वे फॉर वेब सर्वर टू पास अ वेब यूजर्स रिक्वेस्ट टू एन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड टू रिसीव डेटा बैक टू फॉरवर्ड टू द यूज़र यूजर से डेटा लेना और फास्ट फॉरवर्ड करना वेब सर्वर के ऊपर क्या कहलाता है इंटरप्रिक्वेस्ट फॉरवर्ड डी डेटा लिंक लेयर या फिर उसे रूबी कहते हैं तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उसे हम क्या कहते हैं रूबी के नाम से जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न है दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन फॉर यूज़र हु वांट टू कस्टमाइज़ द प्रोग्राम्स दे यूज इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ यानी कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो अपने हिसाब से बनाने के लिए यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर का निर्माण करने हेतु नहीं फ्रेंड्स ये सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से कस्टमाइज अपने हिसाब से सेट डिज़ाइन करने के लिए प्रयोग होता है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए स्पाईवेयर जो होता है सॉरी शेयरवेयर जो होता है तो वो कस्टमाइजेशन के लिए कार्यरत है द इफेक्ट ऑफ द रोल बैक कमांड इन अ ट्रांजेक्शन इज़ द फॉलोइंग। रोल बैक जो कमांड होता है तो ट्रांजेक्शन के अंदर क्या यूज़ होता है क्या वो अंडू ऑल चेंजेस टू द डेटा बेस रिजल्टिंग फ्रॉम द एग्जीक्यूटिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन के लिए यानी कि अंडू करने के लिए यूज़ होता है या अंडू द इफेक्ट्स केवल इफेक्ट्स के लिए अनडू करने के लिए होता है या रिस्टोर द कंटेंट ऑफ़ द डेटा बेस टू इट्स स्टेट एट द एंड ऑफ द प्रीवियस डे या फिर मेक श्योर दैट ऑल चेंजेस टू द डेटा बेस आर इन इफेक्ट इफ़ेक्ट में डेटा बेस है उसके लिए प्रयोग होता है तो आपके पास कई सारे ऑप्शन है क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ है इसलिए मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए इसका आंसर आपको बता देता हूँ इसका आंसर है आंसर ए रोल ब्लॉक का प्रयोग आप सरल भाषा में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि रोल ब्लॉक रोल बैक जो है तो इसका यूज़ होता है चेंजेस अंडू करने के लिए जो एग्जीक्यूटिंग ट्रांजेक्शन है उसके अंदर चेंजेस करने के लिए रोल बैक का प्रयोग हम करते हैं डैश सिस्टम इज़ अ स्मॉल वायरलेस हैंडल्ड कंप्यूटर दैट स्कैन एंड आइटम्स टैग एंड पुल्स द करंट प्राइस एंड एनी स्पेशल ऑफर्स एज़ यू शॉप आप जब शॉप करते शॉपिंग करने जाते हैं तो उसके अंदर कौन सी ऐसी मशीन होती है जो कि करंट प्राइस के अनुसार आपके अकाउंट से पैसे डिटेक्ट कर लेती है और स्कैन करके करती है तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन है डेटा माइनिंग के द्वारा इन्वेंट्री के द्वारा इन्वेंट्री तो फ्रेंड्स आप समझ ही सकते ये यहाँ पे ऑप्शन कुछ काम का नहीं है पी ओ एस या पी एस एस ये दो है कन्फ्यूजन वाले पॉइंट पी एस एस और पी ओ एस है तो चलिए देखते हैं आंसर है ए पी एस एस का प्रयोग किया जाता है प्राइस के स्कैन करने के लिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट बार कोड अलग होता है फ्रेंड्स बार कोड और इसके अंदर बहुत बड़ा अंतर होता है सिंगल पार्टी डिस्क रिलेइंग ऑन द डिस्क कंट्रोलर फॉर फाइंडिंग आउट विच डिस्क हैज़ फेल्ड इज़ यूज्ड बाय सिंगल पार्टी डिस्क ऐसी एक डिस्क होती है जो कि कंट्रोल करती है फाइंड कंट्रोल करती है फाइंडिंग के लिए कि डिस्क फेल किस प्रकार से हुई है या किस लिए हुई है तो ऑप्शन है इसके अंदर ए रेड लेवल ऑप्शन बी है आर ए आई डी लेवल टू या ऑप्शन सी है आर ए आई डी लेवल फ़ोर या ऑप्शन डी है आर ए आई डी लेवल थ्री फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर का ही है तो चलिए देखते इसका आंसर इसका आंसर है डी आर ए आई डी लेवल थ्री की अगर हम बात करें तो ये फाइंडिंग करने के लिए प्रयोग होता है कंट्रोलर के लिए डिस्क के अंदर अगर कंट्रोलर कोई फाइंडिंग करता है तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं ऑप्शन डी चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट हैपन्स व्हेन यू क्लिक ऑन इंसर्ट पिक्चर क्लिप क्लिपकार्ट अगर आपने इंसर्ट फिर पिक्चर फिर क्लिप आर्ट में गए तो आपके साथ क्या हो गया आप कहाँ पहुँच जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट अ क्लिप आर्ट पिक्चर इंटू डॉक्यूमेंट के अंदर या ऑप्शन बी है इट लेट्स यू चूज़ क्लिप आर्ट टू इंसर्ट इन टू डॉक्यूमेंट या ऑप्शन सी है इट ओपन्स क्लिप आर्ट टास्क बार या ऑप्शन डी है इट इंसेट्स सिम्बॉल्स जिस सिम्बॉल्स को सेट करता है तो आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं आप इसके अंदर से चूज़ कर सकते हैं तो इसका आंसर है सी ओपन क्लिप आर्ट टास्क बार अगर आप ये सारे के अंदर पहले इंसर्ट में जाते हैं फिर पिक्चर के अंदर जाते हैं और क्लिप आर्ट में जाते हैं तो आप क्लिप आर्ट के टास्क बार के अंदर पहुंच जाते हैं चलिए देखते हैं नेक्स्ट विच वन अलाउस मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन तो कौन ऐसा है जो कि थ्री सिक्सटी डिग्री थ्री डिग्री आप समझ ही सकते होंगे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह जो इस प्रकार होता है तो हर किसी के अंदर आ, देखने की क्षमता किसके पास होती है क्या हम माउस के द्वारा ऐसा कर सकते हैं क्या हम जॉयस्टिक के द्वारा ऐसा कर सकते हैं या लाइट पेन के द्वारा या ट्रैक बॉल के द्वारा कर सकते हैं कई सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी जॉयस्टिक के द्वारा जॉयस्टिक अगर आपने देखा होगा बेसिकली प्ले स्टेशन होता था बचपन में तो प्ले स्टेशन के अंदर इस प्रकार का एक गेयर होता था तो उस गेयर के द्वारा अगर आपने गेम कोई खेले होंगे तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ऐसे वाले रिमोट से जिसके अंदर ऐसे दो गियर होते थे इधर चार बटन होते थे इधर चार बटन होते थे और पीछे दो बटन होते थे इधर पीछे दो बटन होते थे तो ये जो गियर है तो ये ही वो गियर है जॉयस्टिक का ये वो ही भाग है जो कि थ्री सिक्सटी देखने डिग्री देखने के लिए कार्यरत है कार्य आता है तो जॉयस्टिक इसका आंसर हो जाएंगे और चलिए देखते लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन डैश एंड डैश रेफर टू द एक्शन ऑफ क्लिकिंग एंड होल्डिंग डाउन द माउस बटन वाइल मूविंग द माउस एंड रियलिंग इट तो माउस को जब हम होल्ड करते हैं और उसे खींचते हैं और एक जगह से चीज़ दूसरी जगह मूव हो जाती है अर्थात एक जगह से डिलीट होकर दूसरी जगह पहुंच जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं क्या हम उसे ड्रैग ड्रॉप कहते हैं क्या हम उसे ड्रैग क्लिक कहते हैं या हम उसे क्लिक राइट क्लिक कहते हैं तो इसका आंसर है आंसर सी ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं हम उसे जब हम माउस को एक जगह प्रेस करके रखते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर और उसको प्रेस करके ही माउस का बटन को प्रेस करके उठाकर जब हम दूसरी जगह उसे छोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप इस प्रक्रिया में एक जगह से फाइल वीडियो जो भी आपका डेटा है वो मूव हो जाता है दूसरी जगह नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल रिकॉर्ड लेंथ फाइल की रिकॉर्डिंग लेंथ कितनी होती है शुड ऑलवेज़ बी फिक्स्ड होती है या फिर वेरिएबल होती है या अपने अनुसार होती है या फिर साइज़ के ऊपर डिपेंड होती है या फिर मैच डेटा कलेक्टर के द्वारा चूज की जाती है तो चलिए देखते हैं इसका आंसर आंसर बी है ये ऑलवेज वेरिएबल वेरी करती है अर्थात आपके अनुसार इसे आप रख सकते हैं फ़ाइल रिकॉर्डिंग की लेंथ को नेक्स्ट है विच वन इज़ यूज टू ओपन अ डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम इनमें से डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम को ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हम क्या किसका प्रयोग करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप ये तो हम अभी पढ़ चुके तो ये तो नहीं ये तो मूव के लिए था क्लिक कर सकते हैं तो क्या हम कंप्यूटर पे एक बार क्लिक करते तो कोई भी डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम ओपन होता है बिल्कुल नहीं डबल क्लिक करने पे ज़रूर होता है तो ये आपका ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे बी तो कुछ क्वेश्चन बेसिक्स भी है जैसे मैंने कहा था इजी मॉडरेट और हार्ड लेवल के हमने इसके अंदर क्वेश्चन रखे हैं आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर याद रखें और इसका बाद अगला क्वेश्चन है डैश इज अनदर पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ एन अल्टरनेटिव अ माउस तो माउस का अल्टरनेट है यानी कि माउस जो होता है तो कभी कभार इसका भी प्रयोग कर सकते हैं माउस अगर ना हो तो इसका भी तो इसका आंसर हो जाता है ट्रैक बॉल ट्रैक बॉल वो होता है जो माउस की ही तरह यूज़ होने वाला एक डिवाइस है तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है लेज़र प्रिंटर कैन प्रिंट डैश पेज कितने पेज प्रिंट कर सकता है टेक्स्ट पर मिनट एंड यानी कि पर मिनट के अंदर लेज़र प्रिंटर कितने पेज प्रिंट कर सकता है पहला और जब प्रिंट करेगा तो रेजुलेशन का यानी कि जो उसकी क्वालिटी होगी तो उसकी रेंज कितनी होगी तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है ईजी प्रश्न है अगर आप लेज़र प्रिंटर तो शायद ही आपने देखे होंगे जो लेज़र से प्रिंट करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेफ़ और फास्ट माना जाता था किसी दौर में तो उसी की बात चढ़ी यहाँ पे कि लेज़र प्रिंटर एक मिनट के अंदर कितने पेज को प्रिंट कर सकता और उस पेज की रिजोल्यूशन अर्थात क्वालिटी क्या होती है तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी पाँच से ले कर चौबीस पेज फाइव टू ट्वेंटी फोर पेज एक ही मिनट में ये प्रिंट कर सकता है जिसका रिजोल्यूशन फोर हंड्रेड पिक्सल से लेके कर ट्वेल्व हंड्रेड तक हो सकता है तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जैसे मैंने बताया पाँच से लेकर चौबीस और चार से बारह सौ सो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ पच्चीस महत्वपूर्ण एम अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए जैसे कि फ्रेंड्स आप जानती है मेरा पुराना यूट्यूब चैनल जो था तो वो किसी कारणवश बंद हो चुका है जिसका नाम था फास्ट फास्ट्रैक हिंदी उसके ऊपर लगभग टू हंड्रेड के यानी कि दो लाख प्लस सब्सक्राइबर्स थे लेकिन वो यूट्यूब के किसी कारण बंद हो चुका है और मैंने कई बार कोशिश की उसको रिकवर करने की लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाए तो फ्रेंड्स जिस तरह आपने उस पर अपना प्यार दिखाया था उसी तरह इस पर भी दिखाइए ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आप इसे एक से दो बार भी देख सकते हैं अर्थात आप इसे कॉपी में लिख कर भी सॉल्व uh, कर सकते हैं इसे कॉपी में लिखने से आपके uh, मस्तिष्क में बहुत ही जल्दी उतर जाता है और आपको बहुत ज़्यादा दिन तक याद रहता है सभी के लिए ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स और मैं क्षमा चाहता हूँ अगर आपको इस वीडियो से कुछ लाभ ना हुआ हो अगर आपको इस वीडियो से हानि हुई तो मैं आपके आपसे क्षमा चाहता हूँ मुझे माफ़ करिए और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली है थोड़े से भी आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद